आज इस वीडियो में मैं आपसे अपना ओपिनियन शेयर करना चाहूंगा कि मैं क्या समझता हूँ रिटायरमेंट का मतलब नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जो ट्रू सेंस में होना चाहिए, क्योंकि तो मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ लोगों को कि बहुत टाइम से वो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में है, कोई 15 साल, 20 साल, 10 साल से बिजनेस में है, बट वो आज भी एक्टिवली काम कर रहे हैं, और जितना वो जिस समय वो एक्टिव रहते हैं तभी उनको इनकम आती है, वरना नहीं आती है, राइट? तो क्या ये रिटायरमेंट का मतलब है? मेरे हिसाब से ये रिटायरमेंट का मतलब नहीं है। इन माई ओपिनियन रिटायरमेंट एक ऐसा सिचुएशन है व्हेन यू स्टॉप सैक्रिफाइसिंग टुडे फॉर एन इमेजिनरी टुमारो, राइट? व्हेन टुडे इज कंप्लीट इटसेल्फ, जो आप आज करना चाहते हो वो आप कर सको, तो ये कैसे पॉसिबल है इस पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला चीज, अगर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, खास करके मैं अपनी टीम की बात करता हूँ, मैं टीएलएफ क्रिएटर्स की बात करता हूँ कि हम इस कम्युनिटी में कैसे काम करते हैं, वी फोकस ऑन मेकिंग आर टीम मेंबर्स इंडिपेंडेंट। फर्स्ट थिंग कि अपने टीम मेंबर्स को इंडिपेंडेंट करो, कैसे करो, राइट? बाय क्रिएटिंग सिस्टम्स दैट वर्क फॉर यू, क्योंकि टीम मेंबर तब इंडिपेंडेंट होंगे जब वो हर काम खुद करने के लिए तैयार हो, जब हम उनको सिस्टम बना के दे कि राइट, जो सिस्टम उनके लिए काम करे, राइट? तो फर्स्ट थिंग इज क्रिएटिंग मेकिंग द टीम इंडिपेंडेंट, एंड सेकेंडली बाय गिविंग देम सिस्टम्स जो उनके लिए काम करे, जो हमारे लिए भी काम कर रहा है, जो हमारे ऊपर डिपेंडेंसी खत्म हो, वो इंडिपेंडेंट होगा, मतलब हमारे ऊपर डिपेंडेंसी खत्म होना चाहिए, राइट? सो वी हैव क्रिएटेड सिस्टम, दैट सिस्टम वर्क्स फॉर अस, राइट? थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, पुटिंग लेवरेज इनटू एक्शन। लेवरेज का यूज करना है। लेवरेज का मतलब क्या हुआ कि आपका एक एक्शन मल्टीप्लाई हो, राइट? दैट मींस लेट्स से इन टीएलएफ क्रिएटर्स वी ऑल आर कंटेंट क्रिएटर्स, राइट? तो हमारा एक एक्शन, हम एक एक्शन दे रहे हैं, कॉन्टेंट क्रिएशन कर रहे हैं, बट उसका मल्टीपल हमें रिजल्ट मिल रहा है, मल्टीपल टाइम्स वो बढ़ रहा है, राइट? हमारा एक एक बार डाला हुआ एफर्ट वो मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट? दैट मींस हम जो भी फॉर्म का कंटेंट बना रहे हैं वो हमारे बिजनेस को मल्टीप्लाई कर रहा है, वो हमारे टीम को ग्रो कर रहा है, राइट? उसके बाद लेवरेज का कौन सा पॉइंट है कि हमारे टीम मेंबर्स, वी रिक्रूट पीपल हु वर्क फॉर अस। हम, मैं ये नहीं बोल रहा कि हम उनको जॉब पे रख रहे हैं, बट हाँ, कमीशन बेस्ड काम है, वो अपने बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं, बट हमने उनको रिक्रूट किया, बट उनके एफर्ट से भी हमें इनकम आएगी, जो कि हमारे नेटवर्क मार्केटिंग का ब्यूटी है, राइट? सो फर्स्ट थिंग, मेकिंग टीम इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट तभी बना पाएंगे जब हमसे डिपेंडेंसी खत्म होगा। वो कैसे होगा? व्हेन वी क्रिएट सिस्टम दैट वर्क्स फॉर अस, तो हमारे पास प्रॉपर सिस्टम्स हैं जहाँ पे हम पे डिपेंडेंसी नहीं है, वो खुद वो चीज को यूज कर सकते हैं, प्रॉपरली इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इज पुटिंग लेवरेज इन टू एक्शन। हमने उनको लेवरेज सिखा दिया, हम खुद भी यूज करते हैं लेवरेज का। दैट मीन्स हम कॉन्टेंट का लेवरेज करते हैं, हम अपने टीम के एफर्ट को, उनके स्किल को, उनके नेटवर्क को, उनके यूट्यूब चैनल को, उनके सोशल मीडिया को लेवरेज करते हैं, राइट? उसके बाद कुछ ऐसा हमने क्रिएट किया बिजनेस मॉडल जहाँ पे जो सोसाइटी की रिक्वायरमेंट है, सोसाइटी को चाहिए कि वो कहीं भटकना नहीं चाहता, डोर टू डोर सेलिंग नहीं करना चाहता, किसी को कन्विंस नहीं करना चाहता, कंसिस्टेंट एंड स्टेबल इनकम चाहिए, राइट? तो हमने ये चीज क्रिएट किया है अपने टीएलएफ बिजनेस मॉडल में, टीएलएफ क्रिएटर्स बिजनेस मॉडल में, जहां पे हम प्रॉपरली लेवरेज को यूज करें। हमारे एक एक, एक टीम मेंबर आज के डेट पे इंडिपेंडेंट है, उसको किसी की जरूरत नहीं है बिजनेस बिल्ड करने के लिए, प्रॉपर सारे सिस्टम्स है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, बहुत टू दी पॉइंट चीजें हैं। तो इस तरीके से अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में काम करते हैं, किसी भी बिजनेस मॉडल में काम करते हैं, तो आप एक्चुअल में रिटायरमेंट को एंजॉय कर पाएंगे, जहां पे आपके पास समय होगा, आपके पास उस चीज का टेंशन नहीं होगा कि मेरे पर्सनल एक्सपेंसेस, मेरे पर्सनल नीड्स की आपको टेंशन नहीं होगी कि ये कहाँ से पूरे होंगे, क्योंकि आपने एसेट्स बना रखे हैं, आपने आपके सिस्टम के थ्रू आपको इनकम आ रहा है जो आपके पर्सनल एक्सपेंसेस का ख्याल रख रहा है, तो आपके पास समय बच रहा है। आज जो सिस्टम्स की बात मैं कर रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हम जो यूज करते हैं, लेट्स से बिजनेस प्रेजेंटेशन एक काम है, राइट? लेट्स से कोई आता है हमारे पास, लेट्स से आज एक लीड जनरेट हो गई तो उसको हमें बिजनेस बताना है, 10 लीड जनरेट हो गई तो भी हमें बिजनेस बताना है, तो एक डिपेंडेंसी, एक रिपीटेड एक्टिविटी, हमने इसको सिस्टमाइज कर दिया, वी हैव पुट सिस्टम इन प्लेस दैट इज वर्किंग फॉर अस। आज हमारे पास 1,000 लीड्स क्यों ना आ जाए, हमें उनको बिजनेस बताने में टेंशन नहीं, क्योंकि हमारे ऑटोमेटेड लाइव वेबिनार्स चल रहे हैं। आज हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच आउट कर पा रहे हैं, क्योंकि हम कॉन्टेंट का यूज कर रहे हैं, हम यूट्यूब को लेवरेज कर रहे हैं, मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेवरेज कर रहे हैं, हमारे पास कस्टमर्स की कमी नहीं है, क्योंकि हम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को लेवरेज करें, वहां से हमें कस्टमर्स मिल रहे हैं, राइट? तो इस तरीके से हमने टीम मेंबर्स को इंडिपेंडेंट बना दिया, और जब तक कि सिस्टम नहीं होगा इन प्लेस तब तक टीम मेंबर्स इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, हम भी एक्टिवली ही काम करते रहेंगे, राइट? तो इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ राइट सिस्टम्स हम नेटवर्क मार्केटिंग में रिटायरमेंट एंजॉय कर सकते हैं। दैट मीन्स विल हैव इनफ टाइम एंड मनी जो हम खुद करना चाहते हैं हम कर सकें। तो जब हम इन चार फैक्टर्स को हम ऐड करते हैं, नंबर 1 मेकिंग टीम इंडिपेंडेंट, नंबर 2 बाय क्रिएटिंग सिस्टम दैट वर्क फॉर अस, नंबर 3 बाय अप्लाइंग लेवरेज, एंड नंबर 4 बाय कनेक्टिंग, मीन्स
इन सबको इस तरीके से डिजाइन करना कि जो सोसाइटी की नीड है, जो हमारी सोसाइटी चाहती है, उसको पूरा कर सके, कि वर्क फ्रॉम एनी वेयर, राइट, कंसिस्टेंट इनकम विदाउट कन्विंसिंग एनीवन, 100% ऑनलाइन, एंड यू कैन डू इट अलोंग विद करेंट प्रोफेशन. अपनी प्रोफेशन को छोड़ने की जरूरत नहीं. स्टूडेंट हो, पढ़ाई के साथ भी कर सको, जॉब हो, जॉब में हो, एम्प्लॉय हो, उसके साथ भी कर सको. तो हमने इस तरीके से डिजाइन किया, तो इससे पैसिव इनकम जनरेट होगा फ्यूचर में, और हम रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं. 5 से 5 से 10 साल अगर कोई इसमें इन्वेस्ट करता है, राइट, 5 साल, मैं कहता हूँ 5 साल भी अगर कोई कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करता है, तो मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बन जाते हैं, एंड वो उस इंसान को अपने पर्सनल नीड को लेके टेंशन नहीं होगा. वो अपने लाइफ कंफर्टेबली जी सकेंगे, एंड जो करना चाहे वो कर सकते हैं. एक्चुअल में रिटायरमेंट की तरफ वो आगे बढ़ सकते हैं. अगर आप इंटरेस्टेड है मेरे साथ काम करने के लिए इन TLF क्रिएटर्स, तो डिस्क्रिप्शन में सबसे पहला लिंक है, उस पर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं. वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लोगों के साथ शेयर कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो.